हे दोस्तों, मैं हूँ सुनील और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल SS Blog। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसे JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के रूप में भी जाना जाता है, भारत के पूर्वी शहर रांची में स्थित है। यह झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन के लिए झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का कार्य करता है और झारखंड क्रिकेट टीम और इंडियन प्रीमियर लीग IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग्स का घरेलू मैदान है। दोस्तों, JSCA स्टेडियम में IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के दो घरेलू खेलों का आयोजन किया जाएगा। जनवरी 2013 में इसका उद्घाटन किया गया। 19 अक्टूबर 2019 तक इसने दो टेस्ट, 5 ODI और 2 T20 की मेज़बानी की है। इसकी क्षमता 50,000 है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आउटन और कीनन स्टेडियम में मैचों के आयोजन को लेकर टाटा स्टील के साथ विवाद के कारण रांची में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने का JSCA का निर्णय रहा है। दोस्तों, यह संघर्ष तब हुआ जब भारत और इंग्लैंड के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मैच को बेंगलोर में स्थानांतरित किया गया था, जिसमें JSCA ने कहा था कि उन्हें टाटा स्टील से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इसके बाद JSCA ने फैसला किया कि एक नए स्टेडियम की ज़रूरत है। JSCA स्टेडियम मेरसस राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड रांची झारखंड द्वारा निर्मित है, जैसा कि झारखंड राज्य क्रिकेट संघ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का पूर्ण सदस्य है। दोस्तों, यह राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन करता है, लेकिन JSCA का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नहीं था, केवल कीनन स्टेडियम जमशेदपुर जो टाटा स्टील के स्वामित्व में था। इसलिए झारखंड की राजधानी रांची में अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया। डिजाइन कमीशन वास्तु सलाहकार कोठारी एसोसिएट्स प्राइवेट को दिया गया था। दोस्तों, यह स्टेडियम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के परिसर के भीतर बनाया गया है। स्टेडियम भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का घरेलू मैदान है। स्टेडियम का निर्माण इस तरह से किया गया है कि वर्ष के सबसे कम दिन भी शाम 4:45 से पहले किसी भी 9 पिच पर कोई छाया नहीं पड़ती है। कॉम्प्लेक्स में एक और मैदान है जिसमें 5 पिच है, 8 पिचों के साथ एक अभ्यास क्षेत्र है। दोस्तों, स्टेडियम में बैठने की क्षमता लगभग 40,000 और 76 कॉर्पोरेट बॉक्स है। पूर्व और पश्चिम की ओर स्थित ईस्ट और वेस्ट हिल्स नामक दो नज़दीकी पहाड़ियों से दर्शक भी आनंद ले सकते हैं। यह देश का एकमात्र स्टेडियम है जिसके दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं। दो मंडप उत्तर और दक्षिण पूर्वी तरह से वातानुकूलित है, जिनमें प्रत्येक स्तर पर 5 स्तर है, जिसमें VIP क्षेत्र, सदस्यों का संग्रह, दाताओं का संग्रह, राष्ट्रपति का बॉक्स, BCCI बॉक्स और खिलाड़ियों के लिए अलग भोजन स्थानों के साथ 2 बड़े ड्रेसिंग रूम शामिल है। दोस्तों, झिल्लीदार छतें धूप से छाया प्रदान करती है। स्टेडियम में एक इंडोर क्रिकेट केंद्र भी है जिसमें 3 इंडोर पिच है, जिसमें एक आवासीय परिसर है जहां खिलाड़ी प्रशिक्षण के लिए रह सकते हैं। स्टेडियम को फरवरी 2012 में 1.18 बिलियन की लागत से पूरा किया जाता था, जो 35 एकड़ एक के क्षेत्र को कवर करता है। स्टेडियम ने भारत और इंग्लैंड के बीच 19 जनवरी 2013 को अपने पहले वनडे मैच की मेज़बानी की। दोस्तों, इससे पहले JSCA वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के भारत के दौरे के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय मैच की उम्मीद कर रहा था। स्टेडियम रांची की शहर सीमा के भीतर बनाया गया है। यह रांची हवाई अड्डे बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से केवल 10 मिनट की दूरी पर है और 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू से 25 मिनट की दूरी पर है। यह 4 लेन सड़क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह रांची जंक्शन और हटिया रेलवे स्टेशनों से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हे दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।